हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास सेवंथ के लिए है और आपके चैप्टर 18 चल रहा है, वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को सीवेज के बारे में बताया था। ठीक है, चैप्टर 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और चैप्टर 18 में आप लोगों को सीवेज के बारे में बताया था, यूज्ड वाटर के बारे में बताया था, यूज्ड वाटर क्या होता है, कैसे वेस्ट वाटर बन जाता है और हम लोग किस तरीके से पानी को जब ड्रिंक करते हैं तो किस तरीके से काम में लिया जाता है। ठीक है, क्लीन करके। आज का वीडियो सेवंथ क्लास के लिए है और आज के वीडियो का टॉपिक है आप लोगों के सीवेज इज हार्मफुल टू पीपल एंड एनवायरमेंट, कि सीवेज किस तरीके से लोग बागों के लिए और पर्यावरण के लिए हार्मफुल होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ सेवंथ क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। तो इसमें लिखिएगा, ड्रिंकिंग जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड। ठीक है, कंटेमिनेटेड। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, विद सीवेज विल, ठीक है, विद सीवेज विल स्प्रेड डिजीजेस, SPREADED, स्प्रेड डिजीजेस, DISEASES। ठीक है, स्प्रेड डिजीजेस इन पीपल विच, इन पीपल विच, ठीक है, कैन इवन लीड टू डेथ्स। ठीक है, चले आगे बात करें कि जो प्रोसेसिंग होती है सीवेज की, तो स्टार लगा करके लिखिएगा, द प्रोसेसिंग ऑफ सीवेज, द प्रोसेसिंग ऑफ सीवेज टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स एंड मेक इट हार्मलेस एंड मेक इट हार्मलेस एंड हार्मलेस बनाने के लिए मेक इट हार्मलेस सो डैट इट मे बी सो डैट इट मे बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, मतलब उन्हें क्या किया जाता है, डिस्पोज्ड किया जाता है। ठीक है, डिस्पोज करेंगे ऑफ सेफली। ठीक है, सेफ्टी से उन्हें डिस्पोज किया जाएगा, इन द रिवर। ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि जो सीवेज की प्रोसेसिंग होती है उनमें पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है एंड हार्मलेस बनाने के लिए उन्हें धीरे धीरे, मतलब सेफ तरीके से डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, चले आगे, हेडिंग डालेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, हेडिंग डालेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है प्लांट। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि वेस्ट वाटर जो गंदा पानी होता है उसका ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, वेस्ट वाटर हेडिंग डाल दी आपने, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मैं आपको बता दूं, एक प्रोसेसिंग होती है WWTP, इसे बोला जाता है WWTP, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, शॉर्ट में इसे बोलेंगे WWTP, मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नाम है, सीवेज प्लांट भी इसे बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो द, ठीक है, लिखिएगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एच, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एच। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, ऑल्सो कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोला जाता है और इनमें कई सारे स्टेप्स है कि सबसे पहले क्या की जाती है, उसकी स्क्रीनिंग, क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है ना,
तो सबसे पहले आप लिख सकते हो स्क्रीनिंग, SCREENING। सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि रिमूव किए जाते हैं लार्ज, जो रविश के लार्ज पीसेस होते हैं उन्हें रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, रिमूव लार्ज पीसेस ऑफ, ठीक है, रविश फ्रॉम, ठीक है। तो क्या लिखा, रिमूव लार्ज पीसेस ऑफ, ठीक है, रविश फ्रॉम वेस्ट वाटर, ठीक है, रविश फ्रॉम वेस्ट वाटर, ठीक है, ये स्क्रीनिंग में किया जाता है। फिर है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल, ठीक है। सेकंड लिखिएगा ग्रिट एंड सैंड रिमूवल, ठीक है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल है, ठीक है। इसमें भी ग्रिट और जो मिट्टी है उनको रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप इसमें, ठीक है, सेडिमेंटेशन जो टैंक होता है, ठीक है, क्या होता है सेडिमेंटेशन, लिखेगा SEDIMENTATION, सेडिमेंटेशन टैंक, ओके। सेडिमेंटेशन टैंक इसमें क्या होता है, इसमें मतलब सॉलिड पार्ट, जो सीवेज का सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, वो स्लज कहलाता है। और इसमें मतलब सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, ये सॉलिड पार्ट को सेपरेट करने के काम में आता है, मतलब सॉलिड सॉलिड पार्ट को सेपरेट करने के काम में आता है, ठीक है। फोर्थ आप आ जाइए, फिर सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आ जाइए एयरेशन टैंक, AERATION, एयरेशन टैंक। एयरेशन टैंक में क्या होता है, एयर पास आउट करने का काम करता है, ठीक है। फिर आ जाओ अगेन, ये थर्ड नंबर पे था फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। और अब आ जाओ फिफ्थ नंबर का पॉइंट, लिखो सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक, ओके। तो देखिए क्या क्या हो गए, स्क्रीनिंग है, सेकंड नंबर पे ग्रिट एंड सैंड रिमूवल है, थर्ड नंबर पे फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक है, फोर्थ नंबर पे एयरेशन टैंक है, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे क्या है, सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। चलें आगे की तरफ, ये सब कुछ क्या होता है, वेस्ट वाटर को क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए, उसे क्लीन करने के काम में आते हैं। स्क्रीनिंग है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल है, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक है, एयरेशन टैंक है, और फिफ्थ नंबर का पॉइंट है सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक। अब आ जाओ सैनिटेशन एंड डिजीजेज, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं। हेडिंग डालें सैनिटेशन एंड डिजीजेज, ठीक है, सैनिटेशन एंड डिजीजेज। सैनिटेशन एंड डिजीजेज क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो पुअर सैनिटेशन कंटेमिनेशन वाटर जो होता है वो लार्ज नंबर पे डिजीज बढ़ाता है हमारे देश में, ठीक है, पुअर सैनिटेशन एंड, ठीक है, क्या लिखा, पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग, ठीक है, पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द, ड्रिंकिंग वाटर इज द, ठीक है, कॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, क्या लिखा, कॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस इन आवर कंट्री, डिजीजेस इन आवर कंट्री, हमारे देश में क्या बढ़ाता है, वो बीमारियों को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। और अनट्रीटेड, अगला एरो लगा कर लिखिएगा, द अनट्रीटेड, TREATED, द अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ए हेल्थ हैजर्ड, ठीक है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है।
स्टार लगा करके लिखिएगा, सम ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज, सम ऑफ वाटर BORN बॉर्न डिजीजेज, सम ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीजेज स्प्रेड, ठीक है, इन द वे, ठीक है, आर स्प्रेड इन द वेज आर, कौन कौन सी फैलती है, एक तो क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला, ठीक है, टाइफाइड TYPHOID टाइफाइड, पोलियो, तो देखिए क्लोरेला टाइफाइड पोलियो, ठीक है, मेनिन MENIN मेनिन, ठीक है, मेनिनजिटिस MENIGITIS, तो देखिए टाइफाइड क्लोरेला पोलियो मेनिनजिटिस, ठीक है, और हेपेटाइटिस HE, ठीक है, क्या लिखा HEPATITIS हेपेटाइटिस है, ठीक है, एंड डाइसेंट्री है एक्सेट्रा, ठीक है, डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस, मेनिनजिटिस, पोलियो, टाइफाइड, ठीक है, ये सब डिजीज है, ठीक है। और क्लीन वाटर तो हमारी जरूरत होती है, ठीक है, द क्लीन वाटर इज, ठीक है, ए बेसिक नीड्स ऑफ, ठीक है, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हमारी बेसिक नीड्स होती है, ठीक है। आगे की तरफ चलें, बात करें, ठीक है, सीवेज डिस्पोजल का जो अरेंजमेंट है इसके बारे में भी राहुल सर आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे किस तरीके से सैनिटेशन किया जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, पब्लिक प्लेस पर किस तरीके से सैनिटेशन किया जाता है, तो हेडिंग डालिए सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, तो जो भीड़ होती है तो पुअर सैनिटेशन जो होता है, लिखिएगा पुअर सैनिटेशन जो होता है, ठीक है, इन लिखिएगा क्राउडेड CROWDED क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस, क्या लिखा, पुअर सैनिटेशन इन क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, कैन रिजल्ट, ठीक है, इन स्प्रेड डिजीजेस, ठीक है, बीमारियां फैलाता है, ठीक है, इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट स्प्रेड गार्बेज, या बोल सकते हैं, ठीक है, स्केटर, वी शुड नॉट स्केटर रविश RUBBISH रविश, ठीक है, सच एज पेपर, ठीक है, मतलब हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, वी शुड नॉट स्केटर रविश सच एज, ठीक है, पेपर है, ठीक है, फूड वेस्ट है, पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, पैकेट्स हो गया, ठीक है, ETC। चले आगे, सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि वी शुड नॉट, हमें थूकना भी नहीं चाहिए, वी शुड नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, वी शुड नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस, हमें पब्लिक प्लेस पर नहीं थूकना चाहिए, ठीक है, साफ सुंदर रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसे गंदा ही करता जाए, ठीक है, और वी शुड नॉट नेवर यूरिनेट, हमें कभी यूरिन नहीं करना चाहिए रोड के साइड में, ठीक है, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, वी शुड नेवर, ठीक है, यूरिनेट ओके ऑन द रोड साइड, तो क्या लिखा, वी शुड नॉट स्कैटर रविश सच एज पेपर फूड वेस्ट पैकेट्स है, ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है राहुल सर ने, वी शुड नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। थर्ड पॉइंट लिखा है, वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड। ठीक है, और हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं, बिकम एन एक्टिव सिटीजन, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हमें एक चुस्त दुरुस्त नागरिक बनकर के स्वच्छता में, सफाई में क्या करना चाहिए, अपना सहयोग कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्योंकि ओपन जो डर्टी वाटर होता है, ओपन डर्टी वाटर, ठीक है, ड्रेन्स जो बहते रहते हैं, ओपन में जो पानी है, गंदा पानी जो बहता रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, आर ब्रीडिंग, BRWEDNG, ब्रीडिंग प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस, ठीक है, फॉर फ्लाइज, कीड़ों मकोड़ों को बढ़ाता है, बीमारियों को बढ़ाता है, मॉस्किटोज एंड, ठीक है, और क्या करेगा, अदर डिजीजेस। ठीक है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ओपन वाटर, जो ओपन डर्टी वाटर ड्रेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आर ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, यहां पर आकर के आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो आप लोगों का चैप्टर 18 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो यहां पर आप लोगों का जो चैप्टर है 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो टोटली आप लोगों के जो 1 से लेकर 18 तक चैप्टर थे, ठीक है, वो राहुल सर ने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। जैसे कि आपके फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में राहुल सर ने आप लोगों को 15 चैप्टर पढ़ाया था, फिर 14, देन 13, ठीक है, तीनों चैप्टर पढ़ा दिए थे। इसके बाद आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ा गया, 5 पढ़ा गया, 4 पढ़ा गया, 3 पढ़ा गया, 1 पढ़ाया गया। ठीक है, तो 1 से 6 तक कवर किया गया। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाया गया, 2 के बाद, ठीक है, आप लोगों को यहां तक कंप्लीट चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और 12 यहां तक कंप्लीट किया गया। ठीक है, यहां तक कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के चैप्टर 16, 17 और देन 18 कंप्लीट कर दिया गया है। ओके, तो आप लोगों के जो कोर्स है, ठीक है, जो कोर्स है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो 7th क्लास का जो आपका साइंस का कोर्स है वो राहुल सर ने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों के 1 से लेकर, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर और 18 तक राहुल सर ने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू बाबाएं। कोई भी डाउट हो, आगे भी इन फ्यूचर आपको डाउट आए, ठीक है, तो राहुल सर से कांटेक्ट करते रहना और पूछते रहना। ठीक है, किसी भी लाइन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, किसी भी चैप्टर में, अगर कोई, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कांटेक्ट टू राहुल सर एट एनी टाइम। ठीक है, आप लोगों के कोर्स के साथ, ठीक है, आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, चैप्टर्स सभी कंप्लीट कर चुके हैं राहुल सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।